ये आई है दोबारा, क्या नाम था आपका? कविता ना, क्या नाम था? प्रदीता। ये पहली बार आई थी तो आप आओगे थोड़ी सी? यहाँ आ जाओ, शर्म मत करो, गुरु के पास आओ। वो शर्म भी एक प्रकार का बंधन है, याद रखना है। ये शर्म भी एक प्रकार की सिद्धि ही है, शर्म वाली सिद्धि आपको मिली है, अभी पकड़ के रखी है ना। हाँ, ये भी एक सिद्धि है, क्योंकि शर्म भी सिद्धि है, शर्म पकड़ लेती है, ये समझ लेना है। पहली बार जब आई थी आप, तो एक आई थी किस वजह से? आपके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी कोरोना में। कोरोना में? नहीं सर, कोरोना में नहीं हुई थी, हाँ जी, कोरोना के बाद हुई थी उनकी। कोरोना के बाद मृत्यु नहीं, फीवर था, फीवर में ही उनकी डेथ हो गई थी। हुई थी। अच्छा, तो आप जब पहली बार यहाँ आई थी, तो किसने भेजा था आपको यहाँ पर? सर मुझे भेजा तो किसी ने नहीं था, मैं कैसे पता चला था हमारे सेशन के बारे में? यूट्यूब पे मैंने आपके वीडियो अच्छा, देखे थे। तो डिसीजन क्यों ली थी कि मुझे हस्बैंड की मृत्यु के दुख से निकलना है? इस प्रकार की कुछ भावना ही होगी आपके अंदर में। नहीं गुरु जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे बस ये था, अब जो था सो खत्म हो गया, अब परमात्मा को जानना है, स्वयं को जानना है। वेरी गुड। तो जब आप आई थी पहली बार, जी तो आप बहुत दुख में थी, पीड़ा में थी, अंदर में स्थिरता भी नहीं था, चंचलता भी था, थोड़ा दुख में थी। आपको जब शक्तिपात की गई थी, तो आपको कुछ भी महसूस शायद नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? हाँ जी पक्का है ये बात? जी ठीक है। लेकिन जब घर गई होगी, तो धीरे 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 आपके अंदर में कुछ बदलाव शायद हुआ होगा। घर जाने के बाद धीरे धीरे ये बदलाव हुआ कि उन चीजों से मैं बाहर भी निकलने लगी और धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगा ध्यान लगने लगा था और धीरे धीरे शांत होने लगी था, थी। और धीरे धीरे मैं शांत होने लग गई थी। फिर उसके बाद से मुझे ये नहीं लग रहा कि लोग क्या कह रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हो रहा है सब होने लगा। उसके बाद फिर आपने दोबारा डिसीजन ली कि मुझे फिर आना है। मैं दोबारा डिसीजन इसलिए लेकर आई कि सबकी जैसे जागृति मेरी नहीं हुई, तो इसकी वजह अच्छा, से मैंने सोचा कभी तो होगा। बिल्कुल सही। तो ये घर गई, शांत होने लगी, फिर दोबारा यहाँ पे उतना कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है, अभी आप जब ध्यान में, मैं नोटिस करूँगा आपको, ठीक है, बैठना कहाँ पे क्या है, और आपको फिर से हम शक्तिपात करके फिर से आगे निकालेंगे। ठीक है, तो इनके माध्यम से और मैं कहना चाहता हूँ, धनसुख पटेल उनका नाम है, वो गुजरात से हैं। वो हिमालय में और भारत के साधु संतों के साथ जहाँ तहाँ पूरी जिंदगी भर इधर से उधर गए। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, एक्चुअली एग्जैक्ट उसकी एज अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, बट 60+ है, 60-65+ शायद होगी, 72 है शायद। तो उन्होंने आए हमारे सेशन में, अब इतने जगह जा चुके हैं, इतने सारे इकट्ठा भी कर चुके हैं, कंफ्यूज भी हो चुके हैं, अंदर में डर भी बना है कि यहाँ पे भी कुछ होगा या नहीं होगा। तो पहली बार तो कुछ हुआ नहीं, और ऐसे भी मैं नोटिस करते रहता हूँ किसके अंदर में कितनी स्थिरता है, लोभ है, लालच है। मैं तो कहूँगा कुछ हो इसका भी छोड़ दो, मुझे गुरु मिल गया, गुरु संभाले, लेकिन ये भी मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कह दूंगा तो इसमें भी आप फिर इसको पकड़ लोगे। तो समझदारों को ये सारा काफ़ी होता है, थोड़ा सोच समझ के आप ध्यान में रखना है। तो उनके साथ कुछ घटित नहीं हुआ, मैंने बोला आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं है अभी, अब इतने घूम फिर कर भी आए, फिर भी दोबारा बुलाया। मैंने कहा दोबारा बुलाता तो नहीं हूँ, अगर हो सके तो कोशिश करना आने के लिए। दोबारा आए, दोबारा के बाद में भी कुछ घटित नहीं हुआ, फिर शायद थर्ड टाइम भी शायद वो आए थे। उसके बाद नीरज जी को पता आ गया, एक्चुअली नीरज जी कहाँ पे, थर्ड टाइम आए थे क्या अहमदाबाद में? वो तो थर्ड टाइम था। अच्छा, दोबारा के बाद ही तीसरी बार वो अहमदाबाद में आए, और अहमदाबाद में फुट फुट के रोने लग गए वो, क्योंकि दो बार जब उनकी शक्तिपात हुई, घर पे गए, एक दिन ऐसा हुआ कि ध्यान करते 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 एनर्जी तो हाई धीरे धीरे आने लग गई, बढ़ने लग गई, और यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि फैन चल रहा है, ठंड की थोड़ा दिन थी, तो फिर देखा फैन तो है ही नहीं, तो हो क्या रहा है, इतना ठंडा हल्कापन महसूस होने लग गया। उसके बाद उनकी पूरी यहाँ पे वाइब्रेशन, ऊर्जा निकलना, खालीपन महसूस होना, हृदय प्रेम से भर गया, बदल गए। फोन में हमसे बात नहीं हुई थी, डायरेक्ट प्रोसेशन में जब आए तो
तो सेशन में आए, अभी दूर दूर से ही है तो उनका आंसू आने लगे, रोने लगे, मतलब फुट के रोने लगे। उनको रोनापन देखकर नीरज जी के भी अंदर हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गई। तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो वो व्यक्ति इस तरीके से जाके समय लगा, 6 महीना 7 महीना 8 महीना ऐसा कुछ समय लग गया, सिर्फ 6 महीने का अंदर ही, तब जाके उनको वो स्थिरता मिली, अभी थोड़ा सा ठहर गए। हालांकि वो कहे भी थे नीरज जी से, गुरु जी मुझे बार बार क्यों बुला रहे, कुछ बोलो गुरु जी के कुछ कर देने के लिए, क्योंकि मैं इतना अभी बुढ़ा हो गया, बहुत थक चुका हूँ। ये जर्नी बता रहा हूँ कुछ लोगों के, ताकि आप इसके आप इन सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। तो हड़बड़ी नहीं करना। अब जैसे ये बच्चा है, इसके अंदर में पूरी तो जागरण नहीं बोलूँगा, लेकिन शक्ति जो है कुछ इसको अनुभव दी, एक साक्षात्कार दी, कुछ ऊपर आया कुछ। धीरे 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 समय कौन सा, ये जाकर एक दिन बुद्ध बन जाएगा, ये बुद्ध बन जाएगा धीरे धीरे। अब इस उम्र में आकर तो इसी से हमें सीख लेनी है कि मैं समय के साथ अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं करूँगी कि मैं इस बार जा रही हूँ तो मैं अनुभूति करके ही आऊँगी या पहली बार करूँगी। मैं साधना में जा रही हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रकृति को, ईश्वर को, या जिसको भी आप मानती हो उसको, कि मुझे ये अवसर मिला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वरना इतने सारे लोग हैं, कुछ लोगों को तो ये बातें भी समझ में नहीं आती है, और जिनको समझ में आती भी है वो आ भी नहीं पाते। कुछ तो लोग ऐसे भी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आने के बाद भी यहाँ से हमारी ऊर्जा और हमारे यहाँ एनर्जी के डायमेंशंस को छोड़ के जाते हैं, तो भी कुछ लोग कई वर्षों तक भटक जाते हैं, क्योंकि वो वही लोग भटकते हैं जो कट्टर हिंदू होते हैं। बता दे रहा हूँ, जो कट्टर देवी देवता का पूजा पाठ करने वाले होते हैं वही लोग, बाकी लोग नहीं, एक दो ही है मेरी दृष्टि में। तो मैं जब कहता हूँ हनुमान को छोड़ो तो वो रोने लगते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतना दिन से जन्मों जन्मांतर से पूजा करके आया है, आप इतना आसान से कह रहे हैं माता जी को छोड़ने के लिए, कैसे हो सकता है, रोने लगते हैं। अभी मुझे 6 महीने पूजा करने दीजिए, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब दुख होता है ना, हम जिसको इतना पूजा करके कनेक्शन बना कर आया, आप बोल रहे हैं उसको छोड़ो। या मैं सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में कह देता हूँ, कुछ लोगों को कहना है कि आप हिंदू को प्रमोट करना है, सनातन धर्म को प्रमोट करना है, हम कहते हैं कि तुम हिंदू हो ही नहीं, हिंदू बस तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी धारणाएं है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। मैं हिंदू हूँ ये तो आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा अहंकार है। ये हिंदू एक विचारधारा, एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ठीक है, आप वो हो नहीं, आप हो सकता है हिंदुइज्म का प्रैक्टिस कर रहे हो, इस्लामिज्म का प्रैक्टिस कर रहे हो, बुद्धिज्म की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक विश्वास की प्रणाली, एक धारणाएं है, कुछ बनाया गया है। इन सब के केंद्र में, सारे धर्मों का केंद्र में ब्रह्म है, जिसका कोई जात पात नहीं है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मैं ये हूं, नहीं तो आप अटक जाएंगे। हम इन सब को छोड़ना है। हाँ, अंदर से समाज के कानूनी व्यवस्था के अनुसार हमें कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो लिखना है, कहना है, लेकिन होश में कहना है कि हम ये है ये है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि हम ये नहीं हैं, हम कुछ और तत्व है। तो इस बात को भी दुख लग जाता है किसी लोगों का, क्यों, क्योंकि वो हिंदू का झंडा करना चाहते हैं और ये इंसान तो इस टाइप की बातें कर रहा है, तो उनके अंदर में एक भय उत्पन्न होता है कि ये मुझसे तो ये भी छुड़वा रहा है, ये भी छुड़वा रहा है, ये भी छुड़वा रहा है। तो जब खतरा महसूस होता है जिस भी व्यक्ति से, तो हम हमेशा उसकी बुराई करते हैं या तो उसके विपरीत चले जाते हैं, हम प्रोटेक्टिव होने लगते हैं। नहीं तो उसके सामने जाएं तो आंखें के सामने टिकना भी तो मुश्किल है फिर, कि कह तो वही रहा है जो कि सारे धर्मों का केंद्र है, सारे साधनाओं का केंद्र ब्रह्म ही है, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, कहीं भी हो, आपका जो केंद्र है या देवियों का साधना हो, वो केंद्र जो है, काली का भी साधना का भी केंद्र है ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। प्रत्यक्ष सामने तो दिमाग काम नहीं करता है,
दूर से करने लगता है, क्योंकि फिर वो अलग ऊर्जाओं की क्षेत्र में चले जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ लोग भटक जाते हैं। इन एडवांस आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी जैसे ही जाएंगे तो आप पे अलग अलग ऊर्जाओं की बारिश होने लगती है, क्षेत्र बदल जाता है। जिस गांव में जाएंगे, जिस माहौल में जाएंगे, वहाँ पे सूक्ष्म एनर्जीज रहती है, तुरंत आपको कैप्चर में करना चाहती है। तो जो लोग मेरे हाथ नहीं छोड़ेंगे, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाएंगे, वो फिसल भी सकते हैं। पूर्ण तो होंगे लेकिन शायद वक्त लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब पूरी तरह से परम शून्य हो जाएंगे तो कोई भी शक्ति अपना प्रदर्शन नहीं दिखा सकती है। शून्य में किसकी शक्ति का क्या प्रदर्शन होगा? आप शून्य स्वरूप हो जाओगे। आप जब तक रहोगे तब तक किसी भी इंसान की वाणी तीर की तरह भी चुभ सकता है और फूल की तरह भी लग सकता है। अगर उसकी वाणी आपकी पसंद वाली है तो आपके अंदर फूल खिलेगा। अगर उसकी वाणी आपके पसंद वाली नहीं है तो आपके अंदर तीर की तरह चुभेगा। तो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी हम खुद अपने अंदर इसको भी बनाते हैं। हमें जो चीज़ पसंद होता है तो हमारे अंदर में पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होता है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं होता है, नेगेटिव ऊर्जाएँ आने लगता है। इंसान को जब जिसको पसंद करेंगे तो उस इंसान के पास में जब आप जाएंगे तो पॉजिटिव ऊर्जाओं का महसूस करेंगे। जो इंसान जिस इंसान का व्यवहार बात विचार आपको पसंद नहीं है, उसको देखते ही एक नेगेटिविटी की आप महसूस करेंगे, नेगेटिव ऊर्जाओं का संचार महसूस करेंगे। तो ये हमारा ही पसंद और नापसंद यही चाबी है, यही क्रिएट कर देता है। इसीलिए हमें पसंद और नापसंद के ऊपर जो हायर कॉन्शियसनेस है उसमें सदा के लिए स्थापित जब हो जाएंगे तो ये कोई भी चीज़ें आपको छू नहीं पाएंगी। कोई गाली देने आएगा तो आप बैठ जाएंगे और कहेंगे कि तुम दिन भर गाली दो मुझे, मैं बैठा हूँ। आप थोड़ी सी भी अंदर से नहीं चिड़चिड़ाएंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगी। वो गाली देते देते थक जाएगा और सारी गाली के माध्यम से उसकी नेगेटिविटी भी निकल जाएगी। हो सकता है रात भर जाएगा घर पर सोएगा नहीं, दूसरा दिन दौड़ते दौड़ते आपको ढूंढेगा, आपका पैर पकड़ लेगा। लेकिन आपने उतनी ये शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। आपको शून्य की सबसे बड़ा साइलेंस के ही पावर है, द पावर ऑफ साइलेंस ही सबसे बड़ा पावर है। जो उसको पा लिया उसमें सब समा जाएंगे। जो महासागर बन गया, सागर में सब समा जाते हैं बिना भेदभाव का। तो आपके पास सब समा जाएंगे सब। तो ये ध्यान में रखना है, आगे बढ़ते रहना है। समझ रही हो आप? बस। और शादी उदी करने का मन है आगे? नहीं। चलिए ठीक है। तो साधना में पूरी अच्छी तरह से करते करते ब्रह्म स्वरूप बन जाना है, जहाँ पे ना कुछ पाने का ना कुछ देने का, सब कुछ खत्म हो जाता है।